के जिला ललितपुर ग्राम बड़ौदा डांग तहसील तालबेहट क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने अधिकारी को शिकायती पत्र दिया कि गांव के ही प्रधान एवं विकास अधिकारी ने मिलकर आवास के नाम पर उनसे 20,000 रुपए लेने का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। बड़ौदा डांग के ग्रामीणों ने प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूरा मामला ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान द्वारा अपनी मनमानी कर आवास के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और जो पैसा नहीं देता है उसका लिस्ट में नाम काट दिया, जो नहीं देता उसका लिस्ट में नाम काट जाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मनरेगा में काम कर रहे काम JCB के द्वारा करवाया जाता है और मजदूरों को जो है उनसे हाजिरी भरवाकर उनके खाते से पैसा पूरा निकाल लिया जाता है। वृक्षारोपण के नाम पर प्रधान द्वारा 47,000 रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मछोटे राजा कहाँ के निवासी हैं? सुनपुरा ग्राम सुनपुरा। क्या समस्या है? हमें समस्या ये है कि रखत पर के लिए जगह नहीं है, सरकारी पे कब्जा करे रेंज पे जोत ली उसने। तीनों लोगों ने गौ चार। कौन है तीन लोग? तीन लोग हैं बाबू यादव, बाबू पाल, राजा साहब ठाकुर। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि उसका अपन हम मिल जाए बाबूपाल और राजा साहब ठाकुर, बाबू यादव। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ पे की? अब जब जी तालेबेट करवाई थी, दरखास्त दी थी साहब, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नतीराम। कहाँ के निवासी हैं? सोनपुरा। क्या समस्या है? ब्रह्मचारी की जगह है ये। कहाँ पर पर क्या किए हैं ये? बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? बैठे हैं का भंडारी वाया का वो का नाम बाबू यादव, बाबू यादव, बाबू पाल, बाबू पाल, राजा साहब ठाकुर, ठाकुर। तीन। तो इस पे आप क्या चाहते हैं? छुड़वाना चाहते हैं। छुड़वाना चाहते हैं जल्द से अपना रखत पर लेके लिए। इसकी कहीं पर आपने शिकायत की अभी तक? नहीं अभी तक नहीं कही। कही सुन ली? हाँ हाँ अभी नहीं कही। अभी